मैं मौजूद हूं इस वक्त गोरखनाथ के प्रांगण में, जहां पर राजनीति को नई धार और नई रफ्तार देने की सियासी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पूर्वांचल की आखिरी लड़ाई है। आपको बताते चले कि एक तरफ बिहार की 8 और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की 13 सीटों को लेकर चुनाव भारी होने जा रहा है। 57 सीटों पर होना है मतदान आखिरी चरण में। 1 जून को जब वोट पड़ेंगे उसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। जिस गोरखपुर की सीट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आपको बता दें 1989 से लगातार इसी मठ मंदिर का यहां पर कब्जा रहा है। सिर्फ 2018 में कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी ने इस गढ़ में बीजेपी के सेंध लगाई थी, लेकिन उसके बाद 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने यहां से बाजी मार ली और रवि किशन बड़े पैमाने पर जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, जहां पर मोदी का भी पूरा जोर चल रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होगा यह बड़ा सवाल घर घर कायम भी है। लेकिन इन सबके बीच हम लेकर चलते हैं आपको वाराणसी संसदीय क्षेत्र, वहां को लेकर लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के उम्मीदवार हैं। हैट्रिक लगाने की बीजेपी की पूरी है तैयारी। वहां पर नए रिकॉर्ड बनाने को लेकर बीजेपी उत्साहित है और इसको लेकर कोशिशें कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में बड़ी और कड़ी चुनौती देने के लिए कर रहे हैं तैयारी। किस तरह से वाराणसी में दिग्गजों ने डाल रखा है डेरा और वहां को लेकर सियासत कैसे बढ़ रही है आगे, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। सातवें चरण का रण बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, साख की भी लड़ाई है और नाक की भी लड़ाई है, क्योंकि इसी चरण में वाराणसी और गोरखपुर में चुनाव होने हैं। एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। लेकिन पहले बात बनारस की। देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा काल भैरव के दर्शन करने पहुँचे हैं। पूजा पाठ के बाद नड्डा ने जीत का भरोसा जताया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। अकेले नड्डा ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी काशी में डेरा डाले हुए हैं। उनका भी मानना यही है कि बनारस पीएम मोदी के पक्ष में एक तरफा मतदान करेगा। बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दें देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो। वाराणसी वीआईपी सीट है और बीजेपी इसे बड़े मार्जिन से जीतने का प्लान कर रही है, इसीलिए सूबे के सीएम भी वाराणसी में डटे हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना, इनको आमंत्रित, इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना, इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना। बीजेपी के दिग्गज भरोसा जता रहे हैं कि आखिरी चरण में सभी सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज होगी। हर बूथ को भारतीय जनता पार्टी के अवैध किले के रूप में तैयारी की गई है, और बड़े बड़े अंतर से हम सातवें चरण की सीटें भी, जहां हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा के वह, जहां हमारे सहयोगी दल हैं वह, बहुत बड़ी बड़ी लीड के साथ वो जीतेंगे। वाराणसी चुनाव का हॉटस्पॉट बन गया है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में साझा रोड शो करेंगे। उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता वाराणसी में जमे हुए हैं और सरकार की कमियां गिना रहे हैं। यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री खुद हैं, वहाँ सीवर की ये हालत हो, वहाँ माँ गंगा की ये हालत हो, वीवर की हालत तो ऐसी कि यहाँ अब बनारस की साड़ी यहाँ से नहीं, गुजरात से बनकर आती है। गुजरात चारों तरफ गुजरात क्यों? प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में साझा रोड शो कर चुकी हैं। बता दें कि सातवें चरण में जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें यूपी की 13 सीटों पर भी चुनाव है।
ये सारी पूर्वांचल की सीटें हैं। इस इलाके का कितना महत्व है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी का क्षेत्रीय दलों से सबसे ज्यादा गठबंधन है। पूर्वांचल की तीन पार्टियों SBSP, निषाद पार्टी और अपना दल से बीजेपी का गठबंधन है। गठबंधन की सभी पार्टियां जाति आधारित पार्टी हैं। अपना दल कुर्मी, SBSP राजभर और निषाद पार्टी निषाद समाज की राजनीति करते हैं। देश के चार राज्यों के राज्यपाल पूर्वांचल से ही हैं, जबकि दो केंद्र शासित प्रदेश के LG भी पूर्वांचल से ही हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी पूर्वांचल में जीत के लिए हर प्लान पर काम कर रही है। देखना होगा कि सातवें चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।